प्याज के भाव इस वक्त लखनऊ में आसमान छू रहे, यूं कहे पूरे उत्तर प्रदेश में प्याज की कीमतें बहुत चढ़ी हुई हैं, लेकिन आज हमने ये देखा कि थोक मंडी से लेकर के और फुटकर मंडी तक, यानी जहां से प्याज चलता है उसके बाद थोक मंडी तक आता है और उसके बाद जब आम आदमी तक पहुंचता है, तो प्याज के भाव में किस तरीके का अंतर आता है ये हम आज आपको बता रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि करीब थोक मंडी में प्याज 40 से 45 रुपए किलो का रेट चल रहा है, और लेकिन जब वो फुटकर मंडी तक आता है और यहाँ पर आते आते उसकी कीमत 80 रुपए किलो हो जाती है। आज लखनऊ में प्याज का भाव 80 रुपए किलो, हालांकि उत्तर प्रदेश की जो दूसरे तमाम शहर हैं वहाँ पर भी प्याज की कीमतें 70 से 80 रुपए किलो तक के बीच ही चल रही हैं। तो प्याज की ये कीमतें क्यों बढ़ रही है, प्याज क्यों आम आदमी की थाली से दूर होता चला जा रहा है, और क्यों अब प्याज का तड़का, प्याज का जो मसाला होता है वो क्यों सब्जियों से कम होता जा रहा है, ये हम पूछेंगे यहाँ पर। क्या नाम है भाई साहब आपका? उदयराज। उदयराज, बताइए कि ये प्याज क्या भाव चल रहा है लखनऊ में? 80 रुपए किलो, 70-80 चल रहा। ये इतना महंगा क्यों है प्याज? महंगा क्या भैया, मार्केट में महंगा चल रहा है, थोक वाली मार्केट तो मंडी वाले बता सकते हैं कहाँ से महंगा है क्या है, जो गाड़ी लोड करते हैं हम लोग एक कट्टा लाते हैं, जैसे खरीदाते हैं वैसे बेचते हैं, 65-70 रुपये मंडी पड़ रहा, 80 बेचते हैं। 65 चल रहा है? हाँ, 60-65 का पड़ता है, एक कट्टे में कम से कम 10-8 किलो बज्जा निकल जाता है, खराब निकल जाता है। हाँ, वो सब जोड़ के 70-80 बेचते हैं। 70-80 हाँ। प्याज की आवक घटी है क्या इस बीच में? कम है मंडी में, तो प्याज की बिक्री भी कम हुई होगी? बिक्री भी कम है, एक दो ऐसे 2-3 कट्टे बेचते से एक कट्टा बिक नहीं पाता सुबह शाम तक। अच्छा, आज थोक की मंडी में हम लोग गए थे, वहाँ पर प्याज करीब 45-45 रुपए किलो। कहाँ की मंडी गए थे? नवीन गल्ला मंडी में, वहाँ से आप लोग कौन सी मंडी? 60 रुपए नवीन मंडी हम खुद लेके आए हैं। 60 रुपए में लेके आए? 60 रुपए में। अच्छा, यानी वहाँ पे 45 की उतरता होगा, वो लोग अपना मुनाफा काट के आगे बेचते होंगे? हाँ जी। आपको 60 में देते हैं? 60 में देते हैं। एक बार बोरी में कुछ खराब भी निकलता होगा? वो खराब मेरे 8-7 किलो प्याज बड़े आराम से खा निकल जाता है। भाड़ा भी जोड़ते हैं? भाड़ा किराया सब कुछ जुड़ता है, पल्लेदारी, एक कट्टे का गेट पास 20 रुपये है, एक कट्टे पे खाली गेट पास 20 रुपये है, 10 रुपये पल्लेदारी, 30 रुपये तो ये हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई और चार्ज भी देना पड़ता है? और तो कोई चार्ज नहीं, यहाँ दुकान लगाते इसका भी कुछ पैसा देना पड़ता है? इसका कोई नहीं। तो देखिए, प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी की एक वजह ये भी है कि जब थोक की मंडी में प्याज आता है तो वो प्याज वहाँ पर 40-45 रुपये किलो तक पहुँचता है, उसके बाद अपना मुनाफा लगाने के बाद जो बीच के व्यापारी, जो बड़े व्यापारी हैं, वो आगे फुटकर मंडियों में बेचते हैं। लेकिन फुटकर मंडी के लोगों का तर्क ये है कि चूंकि उन्हें बहुत सारे भुगतान करने पड़ते हैं एक कट्टे में, यानी कि जब आप 50 किलो का अगर एक कट्टा है तो मान लीजिए उसमें अगर 5 किलो प्याज अगर खराब निकल गया जो बेचने लायक नहीं है तो उसका भी वो पैसा काटते हैं। इसके अलावा भाड़ा, भाड़े के बाद जो टैक्स लगता है मंडी का वो, और पल्लेदारी यहाँ तक आने का जो पैसा लगता है, उन सबको जोड़ने के बाद जो प्याज का जो असल कीमत है वो करीब करीब 70 रुपये हो जाती है। इसलिए 10 रुपये मुनाफा लगा करके ये प्याज जो है लखनऊ के बाज़ारों में 80 रुपये किलो बिक रहा है, और शायद यही एक बड़ी वजह है कि जो प्याज की कीमतें हैं वो बजाय घटने के लगातार बढ़ती जा रही हैं। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।